बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। इस यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल 18.1 और 18.2 हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अटेम्प्ट किया था और उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर है। आज के इस सेगमेंट में इंशाल्लाह हम लोग इस यूनिट के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पेज नंबर जो है वो 73 है, आप बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 73 है, पेज नंबर 73 ऑन यूनिट 18 का न्यूमेरिकल नंबर 3, राइट। देखिए क्या कहता है। अ वायर 1.80 मीटर लॉन्ग, एक वायर है उसकी लेंथ कितनी है 1.80 मीटर। लेंथ स्मॉल एल 1.80 मीटर। फिर कहता है कैरीज अ करंट ऑफ 13.0 एम्पियर, करंट कैरी कर रहा है, करंट इज आई 13.0 एम्पियर, ये करंट कैरी हो रहा है। फिर कहता है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है 35 डिग्री का, 35 डिग्री। और फिर कहता है वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1.50 टिस नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड बी 1.50 टिस नॉर्मल यानी टी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है, लेंथ गिवन है, उसमें से करंट कैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में तो जो फोर्स एक्ट हो रही है वो फोर्स आप कैलकुलेट करके दीजिए। आप बुक में एक मरतबा क्वेश्चंस पढ़िए और डेटा को एक मरतबा फिर देख लीजिए कि क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, डेटा किस तरीके से बनाया गया है वो क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो फोर्स की डिटर्मिनेशंस के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स और अ करंट कैरिंग कंडक्टर के टॉपिक में हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज कीजिए, सारी वैल्यू पुट कीजिए, आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 13.0, सिर्फ 13 भी लिख सकते हैं, लेंथ है 1.8, बी है 1.50 लिखना जरूरी नहीं है, साइन 35 डिग्री। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, ये एफ निकाल लीजिएगा और इसका यूनिट लिखिएगा न्यूटन, ठीक। एक आसान सा न्यूमेरिकल था, ख्याल है कि इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18.4 पे आते हैं। A solenoid has a length 1.23 meter. एक solenoid है, ये उसकी length है 1.23 meter. 1.23 meter ये solenoid की length है. An inner diameter is 3.55 centimeter. और जो inner diameter है 3.55 सेंटीमीटर,
मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक। एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 5.57 एम्पियर, करंट कैरी हो रहा है 5.57 एम्पियर। फिर कहता है इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक्ड लेयर, यानी सोलिनोइड के अंदर, सोलिनोइड एक क्वाइल है मालूम है आपको, उस सोलिनोइड क्वाइल में जब आपने वायर्स को लपेटा था, वायर्स की वाइंडिंग की थी, तो उसके अंदर 5 लेयर्स की फॉर्मेशन हुई थी। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? 5। अगर आप याद कीजिए तो मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें होल की फॉर्मेशन की थी आप लोगों ने। वायर किस तरीके से पास किया था? फर्स्ट होल में एंटर किया था, ये बाहर निकला, ये घूमकर दूसरे होल में, थर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर इधर टर्न हुआ। जब ये वापस यहां पर पहुंचा तो ये एक लेयर बन गए, वापस दोबारा शुरू, यहां वापस दूसरा लेयर। इस तरह टोटल कितनी लेयर्स बनी है? 5 लेयर्स की फॉर्मेशन हुई है, यानी नंबर ऑफ लेयर्स ये है आपके पास 5। नंबर ऑफ लेयर्स इज 5, ईच विथ 850 टर्न, और हर लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 850। नंबर ऑफ टर्न्स n 850। तो फिर आपसे कहता है 850 टर्न्स अलोंग लेंथ l, व्हाट इज b एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू बताइए। ये मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक मरतबा, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। आपके पास एक सोलिनॉइड था, उसकी लेंथ गिवन थी, सोलिनॉइड का इनर डायमीटर गिवन था, याद है ना, सोलिनॉइड बनाने के दरमियान में होल किया था मेटलिक सब्सटेंस में, तो उसका अपना एक डायमीटर होगा, उसका डायमीटर गिवन है, करंट जो पास किया वो करंट गिवन है, सोलिनॉइड के अंदर नंबर ऑफ लेयर की फॉर्मेशन कितनी हुई? 5, ईच लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 850। मैग्नेटिक फील्ड बी आपको डिटरमाइन करनी है, राइट। इधर देखिएगा, सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने ये ड्राइव किया था, म्यू नॉट एन आई, राइट। इस एन को हमने डिफाइन किया था वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां पुट किया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल एन की जगह लिखा कैपिटल एन ओवर एल, दिस इज आई, सही है, सही है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी होती है, म्यू नॉट नॉर्मली एग्जाम में गिवन नहीं होता है, म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू आपको याद करके रखनी है, और म्यू नॉट की ये वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, ये इसका यूनिट था। तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कीजिए, एन की वैल्यू पुट कीजिए, आई की वैल्यू पुट कीजिए, लेंथ की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व करेंगे यहां से बी आ जाएगा, दिस इज नॉर्मल। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने जो एन की वैल्यू पुट की है वो ये पुट की है, और ये सिंगल लेयर के लिए है, कितने लेयर के लिए? सिंगल, एन 850 टर्न जो है वो सिंगल लेयर में है। सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं? 5। तो फॉर फाइव लेयर्स आप इसको 5 से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये 5 लेयर के लिए आ जाएगा
दिस इज नॉर्मल। ठीक है, मेरा ख्याल है कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये भी हो सकता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड बी निकाले तो उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल सी आ रही हो, लेस देन वन आ रही हो। वैसे तो आप तीस नॉर्मल में इसका आंसर आप रख सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको मिली में कन्वर्ट कर सकते हो, मिली तीस नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो। मिली में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप मिली में लाना चाहें तो इस रिजल्ट को थाउजेंड से डिवाइड कर दीजिएगा। थाउजेंड से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड, राइट? जी स्टूडेंट्स, बात ये हो रही थी कि ये तो टीस नॉर्मल में आया, आप चाहें तो इसको मिली टीस नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिली में लाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मिली का मतलब होता है 10^-3। मिली का मतलब होता है 10^-3। मिली एक छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लाने के लिए आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो इधर देखिएगा, आप ये लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10^3 × 10^-3। सही है, 10^3 × 10^-3, वो बैलेंस हो रहा है। तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आया, 10^-3 को लिखिएगा मिली, एंड दिस इज टेस्ट नॉर्मल, राइट? तो इस तरीके से ये मिली में कन्वर्ट हो सकता है, मिली में कन्वर्जन आप इसकी इस तरह कर सकते हैं। टिस नॉर्मल से मिली टिस नॉर्मल में लाने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में ला रहे हो, छोटे यूनिट में ला रहे हो, तो मल्टीप्लाई। क्लियर? ओके, आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे, नंबर 18.5। देखिएगा, 18.5 स्टूडेंट, ये गैल्वेनोमीटर के टॉपिक का है, यानी एमीटर वोल्ट मीटर से इसका ताल्लुक भी हो सकता है। देखिए क्या कहता है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आरजी 50 ohms, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ohms। A moving coil galvanometer has a resistance of 50 ohms and it gives full scale deflection at 4 milliampere. Full deflection, yani moving coil galvanometer mein jo full deflection hoti hai, to maximum current galvanometer kitna measure kar sakta hai? 4 milliampere ka. Yani current of galvanometer 4 milliampere. मिली का मतलब 10^-3 दिस एम्पियर। आगे देखिए, फिर कहता है अ वोल्ट मीटर इज मेड। आपको एक वोल्ट मीटर बनाना है, आपको क्या बनाना है? एक वोल्ट मीटर। याद है वोल्ट मीटर कैसे बनाया था? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया था जिसे आर एक्स का नाम दिया था, राइट? एक वोल्टमीटर बनाना है। अ वोल्टमीटर इज मेड यूजिंग द गैल्वेनोमीटर एंड अ 5 kΩ रेजिस्टेंस। 5 kΩ रेजिस्टेंस वोल्टमीटर बनाना है, इज मेड यूजिंग अ 5 kΩ रेजिस्टेंस। सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया, ये देखिए, ये गैल्वेनोमीटर
ये सीरीज में आपने रेजिस्टेंस लगाया था, इसे आर एक्स का नाम दिया था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है, नॉर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है, हजारों में होती है, जिसे हम नॉर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं 5 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी आर एक्स 5 किलो ओम्स। किलो का मतलब 1000, 1000 का मतलब 10^3, राइट। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज। जाहिर सी बात है जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हो तो गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर, और वो नॉर्मल वोल्टेज को मेजर करता है। तो वो मैक्सिमम वोल्टेज बताइए जो आप वो मेजर करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज यानी वी, ये आपको मालूम करना है, ठीक। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि यू हैव अ गैल्वेनोमीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। तो मैंने आपको कहा था कि यू विल कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर, देन गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस और करंट गिवन है, वोल्ट मीटर बनाना है, उसके लिए सीरीज में इस ओम्स का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया। तो बताइए आप किस रेंज के लिए वोल्ट मीटर बना, मैक्सिमम वोल्टेज अब कितना मेजर करेगा। यह देखिए, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ये दिया था, आर एक्स इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी, ये था फॉर्मूला। हमें वी निकालना है तो वी के लिए अरेंजमेंट कीजिए, आर जी माइनस का इधर आकर प्लस का, आर एक्स ये माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का, ये रह गया वी ओवर आई जी, आई जी डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो आर एक्स प्लस आर जी इंटू आई जी, और ये बराबर हो गया किसके, वी के। बस ये वी की वैल्यू पुट कीजिए, आर एक्स 5 × 10^3 प्लस आर जी दिस इज 50, आई जी 4 × 10^-3। सॉल्व करेंगे, वोल्टेज आएगा, यूनिट लिखिएगा वोल्ट्स, राइट, क्लियर। आसान सा न्यूमेरिकल है पर पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने फिलहाल इस सेगमेंट के अंदर यूनिट नंबर 18 के 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जिनमें से 2 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, और वो है नंबर 4 और नंबर 5। अभी थोड़ी देर में फिर हम लोग अगले सेगमेंट पे बात करेंगे, जिस पे इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।